राम राम जी। स्रोत सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब खुश मौज में हो गए। हम तो भैया प्रार्थना करें परमात्मा तो भाई सबके घर में परिवार में सुख शांति हो। और ये वीडियो शुरू करें तो आज है दवा श्याम बाबा का दिन है। जय श्री श्याम। तो मैंने भोग लगा दिया है, आज उत्पत्ति भी करती है और बाबा की आरती भी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और आप सब भी कर लो बाबा के दर्शन। जय श्री श्याम। खीर बनाई थी और बाबा का फिर भोग लगा दिया था। तो चूल्हे आ रहे मैंने लीप दिए हैं और ये चूल्हा भी रहा भी मैंने बनाया था। और आज मैं के बना रही हूँ वो आप सब नहीं दिखाऊंगी। मैं बना रही हूँ खीर और खीर किस खुशी में बना रही हूँ वो बताऊंगी। तो चूल्हे पर चढ़ा दी मैंने खीर और आड़ा धरूंगी दूध। एक भैंस के खीर बनाऊंगी, एक ना ऊंदर दूंगी। और ये थोड़ी सिमी ले ली है, चावल भी गाले हैं पर थोड़ी सिमी भी गाल दूंगी खीर में। राग बढ़ रही है, थोड़ा आवाज़ चल रही है तो धुआं सा भी हो रहा है। तो खीर बनी बनकर तैयार हो गई है और आप सब भी खा लो गर्मा गर्म खीर। और सुबह खानी हो तो ठंडी फ्रिज में रखूंगी मैं। ये मेरी देखती मैंने फ्रिज में काट कर रख दूंगी और सुबह खा लेंगे फिर ठंडी ठंडी। और भी बढ़िया इलाका है, गर्मी में तो ठंडी आइसक्रीम सी हो जाए। तो आज बनाऊँ मैं छोला की सब्जी। तो छोले मैंने बे दिए थे पहला ही, अरे भी इसने धो कर कुकर में रख दूंगी क्यों ये बोर सब्जी। तो आप सब ना पता ज़्यादा मैं ये तो छोले दाल ज़्यादा बना है गर्मा, तो इन्हें मैं उबलने रख दूंगी और फिर उबाल कर बनाते हैं। तो प्याज काट लिया मैंने, इनकी ग्रेवरी बना मतलब पीसूंगी इन्हें और थोड़ा धनिया डाल लिया मैंने। पी लिया है पेटी, क्या लिया है गुड़ पतासे की पेटी लेके आ गया है। प्याज के साथ में मैंने थोड़े से छोले इसमें डाल दिए हैं, ये भी साथ में पिस जाएंगे। फिर इसकी तरी तैयार करूंगी जो वो गाढ़ी गाढ़ी बन जाएगी। तो इन्हें मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ पहले। तो मैंने छोले उबाल लिए थे और ये मैंने टमाटर की पीस लिए हैं और ये प्याज और थोड़े से वो छोले इसके साथ में। और ये नून मिर्च मतलब हरी मिर्च और लहसुन पीस लिया है और ये थोड़ी सी मैंने मेथी ली है। इसमें और गरम मसाले कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो छोले सिंपल इस तरीके से किस तरह बनाऊँगी आप सब मैं दिखाऊँगी। तो मैंने सूप चढ़ा दिया है, अभी मैं इसमें जीरा डालूँगी। तो जीरा मेरा पक्कन हो रहा है, अब इसमें मैं ये प्याज वाला पेस्ट जो मैंने पीस रखा है इसमें डाल दूँगी। और इसने पकने दूंगी अच्छी तरह जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा। इसमें जो काट के प्याज डाला तो फिर तरी सी नहीं बनती, छोले में तो पीस के डालना तो बढ़िया रहे। तो इसने मैं थोड़ी बार मेरी ये तैयार हो जाएगी, थोड़ी बार ढक दूंगी। इसमें अच्छी तरह खदका लग जाएगा ना कच्चापन सा आओगा। इतना और कुछ मसाले नहीं डालूंगी, बस हल्दी और नमक जो जो मैं ये दिखा रही हूँ बस यही डालूंगी। और कोई गरम मसाला कुछ नहीं डालूंगी। गर्म सर्दी में तब डाल भी दे, गर्मी में नहीं डालते कुछ भी हम। और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी हो तो कस्तूरी मेथी डाल दो क्योंकि धनिया तो आप सब ने पता धनिया के और टमाटर के भाव हो रहे हैं। तो धनिया तो सह नहीं, टमाटर तो फिर भी डाल दिए, टमाटर मैंने तो काम नहीं चल रहा था। तो इस मारे थोड़ी सी मेथी डालूंगी मैं, ये सूखी मेथी। और इतना मेरा छोंक पक्का है, ये भी मेरी थोड़ा थोड़ा सुनहरा हो गया है, ये भी इसमें मैं ये डाल दूंगी जो मैंने टमाटर पीसे थे।
इवन ने भी पका लूंगी। जब ये तेल हाथों डंगे ना पूरा खदक लग जाएगा, जब फिर मैं इसमें छोले डालूंगी। अभी देखो थोड़ा थोड़ा खदका लगने लग गया, इन्हें अच्छी तरह पका लें। तो अच्छी तरह मेरा ये भी पक गया है, इसमें मैं छोले डाल दूंगी। छोले डालने के बाद इसमें थोड़ी हल्दी डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी। और इसमें तरी भाई थोड़ी कोई घाटी घाटी खाओ, थोड़े से पतली खाओ, अपने हिसाब से पानी डाल लो। सबका अपना अपना तरीका हो बनाने का। मैंने तो जिस तरह मैं बनाऊ हूँ कोई मेरे तभी अच्छी तरह बनाती होगी, पर मैंने तो कम मसाला के सिंपल छोले की सब्जी दिखाई है। हरा धनिया हो तो फिर बाद में थोड़ा हरिया धनिया भी डाल लो इसमें। ये भी इसमें मैं 2-3 सीटी मरा दूंगी और मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। छोलों की सब्जी मेरी बनकर तैयार होगी है, कति गर्मा गर्म। और हम तो खाओ, आप सब भी खा लो, बहुत स्वाद सब्जी बनी है, कम मसाले की और गाढ़ी गाढ़ी तरीके की।